नमस्ते, मैं हूँ दीप्ति। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ माय एंगेजमेंट ड्रेस, क्योंकि अब बहुत सारी एंगेजमेंट और शादियाँ स्टार्ट होने वाली है। कोविड इज़ फॉलिंग फ्लैट नाउ, तो पार्टीज़ में जाना है, ड्रेसेस ढूंढनी है, एंड आई एम रिसाइकलिंग माय एंगेजमेंट ड्रेस। देखते हैं कौन सी फंक्शन में पहन पाऊँगी। इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त अगर मैं कुछ डिटेल्स दे पाई आपको जो शायद आपको हेल्प करे, तो प्लीज लेट मी नो। ओके, स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, हियर इज माय ड्रेस, और इसका करते हैं। चलो ड्रेस जी, लेट्स बिगिन। ये ड्रेस ली है मैंने सिमरन आउटलेट से, जो कि है रजौरी गार्डन में, और इसके एक दो जगह और हैं आउटलेट्स। इसकी बैक स्टोरी बताते। सो एंगेजमेंट की ड्रेस फाइनलाइज करने के लिए मेरे पास थे 5 days, ओनली 5 days। तो ऑब्वियसली ट्रायल का टाइम नहीं था, और इससे पहले मैंने कभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग शादी की नहीं करी थी, किसी की हेल्प भी नहीं करी थी, तो मुझे मालूम भी नहीं था कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। तो मेरी एक फ्रेंड है स्वाति, शी got recently engaged. I called her up and said, just tell me one place, one market, one store जहाँ मैं जाऊँ and I will find something really great. तो she said, try रजौरी garden. वहाँ पर बहुत सारे outlets मिलेगी, but अगर तुझे कुछ ना समझ में आए तो I took it from सिमरन, तो तू सिमरन भी ज़रूर जाइयो, although सिमरन is almost at the end of the market. तो मैं रजौरी गई and वहाँ पे काफ़ी सारी ड्रेसेस थी, गाउन्स थे, अच्छे अच्छे थे, बट आई वॉज स्टिकिंग टू अ बजट बिकॉज आई वॉज नोइंग कि बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाऊँगी बाद में, ज़्यादा हैवी ले ली ड्रेस। तो फाइनली पूरी मार्केट में ढूँढा, नहीं समझ में आया, एंड आई वेंट विद अ ब्लैंक पेज इन माई माइंड। कोई पहले से इमेज बना के नहीं गई थी, गाउन लेना है, इंडो वेस्टर्न लेना है, क्या लेना है, तो इसीलिए आई थिंक ड्रेसेस पसंद आ रही थी। फिर लास्ट में सिमरन पे गए एंड सिमरन पे ये ड्रेस मुझे पसंद आ गई। आज के टाइम में ये ड्रेस मुझे चांदनी चौक जाते वक्त काफ़ी सारी ये ड्रेस और ये पैटर्न काफ़ी सारी शॉप्स पे दिख रहा है। दो रीज़न होंगे, या तो ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, या फिर ये बहुत ज़्यादा रखा रह गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। इट इज़ कमिंग इन वेरी नाइस पेस्टल कलर्स ऑल्सो, प्लीज़ विजिट। और अभी अच्छा, मैंने इस ड्रेस को ना उल्टा करके पैक किया था, सो दैट अगर पैकिंग में भी कोई रखे रखे येलोनेस होती है तो अंदर के साइड ना हो, अंदर के साइड हो जाए, बाहर ना रिफ्लेक्ट करे फैब्रिक पे। इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये है वो ड्रेस, जो वीडियो में आपको शेड दिख रहा है उससे एक शेड डार्क है, ये बेबी पिंक में ही है, एंड एवरीथिंग इज़ सिल्वर का वर्क। ये हैंडवर्क नहीं है, ये मशीन वर्क है। अगर यही चीज़ हैंडवर्क में होती तो इसका प्राइस डबल हो जाता। अब इसी पैटर्न में जो मुझे देखने को मिल रहा है फ़िलहाल मार्केट्स में, ब्लू कलर में बहुत है, पिंक, ग्रीन पेस्टल एंड येलो। दिस वर्क बस मतलब मेरा दिल आ गया था इस आउटफिट पे, ऑल दो ये थोड़ी सी ग्लिटरी थी, बट दैट कॉम्पनसेटेड, द लुक वॉज गुड। इसके साथ इसका दुपट्टा आया है, तो दिस इज़ बेसिकली, ये बोलते हैं वो इंडो वेस्टर्न लुक में है, क्योंकि इसको आप विदाउट दुपट्टा विद दुपट्टा दोनों पहन सकते हो। जब भी ऐसे हैवी ड्रेसेस को पैक करें उल्टा करके पैक करें। बाकी आप एंगेजमेंट वीडियो देख सकते हैं टू सी द ओवरऑल लुक। सो एंगेजमेंट वाले दिन आई वॉज टिल द मॉर्निंग टाइम आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे कौन सी आउटफिट पहननी है, क्योंकि मेरे पास दो आउटफिट्स थी जो हमने ली थी एंगेजमेंट के लिए। वन वॉज अ डार्कर मैरून गाउन विच यू हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोज, एंड वन वॉज दिस। सो फाइनली 8:30 AM इन द मॉर्निंग, मेरी एंगेजमेंट थी 11 बजे एंड इन द मॉर्निंग, एंड 8:30 माई मेकअप आर्टिस्ट सेड गो विद द लाइट कलर बिकॉज इट्स अ डे फंक्शन एंड दिस इज़ लुकिंग ग्रेट। सो आई लिसन टू हर एडवाइस, और जब मैं वेन्यू में पहुँची तो कोइंसिडेंटली
जो वहाँ का फ्लावर डेकोरेशन था वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरे आउटफिट को. सो दैट वॉज अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी. आई होप यू लव्ड माई वीडियो. प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू सून.